हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल सपना की छोटी सी दुनिया में। तो ये टाइम हो रहा है लगभग 11 बज गए हैं। कल का ब्लॉग जहां ख़त्म किया था वहीं से हमने शुरू किया है। कपड़े सभी डाले हुए हैं, सूखे नहीं हैं। धूप अच्छा खासा आया था तो कपड़े धो दिए, तो बच्चों को हटाने के लिए बोलकर निकल आई हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड जी प्रदूषण बनवा रहे हैं क्योंकि बहुत चेकिंग चल रहा है रास्ते में, तो प्रदूषण सबसे पहले बनवा लेंगे, इसके बाद ही हम निकलेंगे यहाँ से। चेक कर लिए दूरी पर हम लोग आ गए हैं। आए थे इतना धूप, वहाँ तो एकदम बारिश जैसा लग रहा था, लग रहा था कि अच्छा मौसम किया हुआ, लेकिन यहाँ पर ना इतना, मतलब इधर रोड तरफ जब आगे निकल गए तो इतना धूप लग रहा ना कि बता नहीं सकते। पूरा मुँह सब पूरा ढाकी हूँ तब जाके आ रही हूँ, पूरा शरीर जल रहा है, हाथ भी एकदम एकदम कड़ा धूप उगा है। जहानाबाद के बाद से ना इतनी बारिश हो गई, इतनी बारिश से खूब भींग भींग के आई हूँ। खैर कहिए कि यहाँ से हम लोग क्लोथिंग लेकर गए थे, उसी में मोबाइल वगैरह हमने रखा और फिर वहाँ से निकल दिए। कौन है गंदिया पहनिए ना। तो अभी हम लोग आ गए हैं मायके, और मायके में इसलिए आए हैं क्योंकि नागपंचमी है कल। तो नागपंचमी के दिन हम लोग मनाने जाने वाले थे गांव में, हम अपने ससुराल के यहाँ जाना था मुझे, पर आज ही हम लोग वहाँ से निकल गए पटना से, क्योंकि यहाँ मम्मी भी थोड़ा सा दर्शन करने जाएंगी मेरे साथ वहाँ, क्योंकि हमारे जो गांव है जहाँ हमारे ससुराल है ना, वहाँ पर नाग देवता का मंदिर है जो कि बहुत ही अच्छा है, जो कि बहुत पौराणिक है और मनाया जाता है। हमारे यहाँ नागपंचमी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और उस दिन हम लोग पूरा गांव फास्टिंग करते हैं, पूरा गांव फास्टिंग करते हैं। इसलिए मैं और हमारी मम्मी कल जाएंगे नागपंचमी मनाने, यानी कि नागपंचमी दर्शन करने भगवान जी का, नाग देवता का, जो कि हमारे गांव में बहुत ही वो मंदिर मतलब बहुत पुराना है, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो आज मम्मी को भी दर्शन करने का मन हो गया था, तो इसलिए यहाँ हम लोग आए हैं साथ लेकर, मम्मी को जाएंगे कल वहाँ ना। ठीक है, खिड़की बड़ा ही था और ढकवाए हैं, सही और तोड़वाए हैं, छोटा था ना, ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। अब बालकनी इधर पार्क है, हम यहाँ से लुक तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में, गाड़ी लगा हुआ है नीचे, बारिश होता है मजा आता है, पूरा पानी आ जाता है ना, मजा आता है, झोपड़े अपनी कुर्सियाँ लगा सकते हैं। नीचे सुपर रोशनीदार है, ये ऊपर वाले में बहुत काम बचा हुआ है अभी। हाँ, अरे वो मेरा रूम में नहीं देखी, उसमें मैं बक्सा रख दी है। कहाँ है? अच्छा, लाइट पता है क्या करते हैं, डेली उठते हैं, गाने बजाते हैं, वहाँ पर डांस करते हैं खूब। सबसे मस्त यही जगह लगता है हमको। मम्मी तो अचार लगेले है यार, तो कितना अच्छा लगाती हैं मम्मी,
पानी आएगा वही तो पता नहीं खुलवाने को तो खुलवा दिए कि रोशनी रहेगा बाद में अफसोस हो रहा है कि बारिश होगा तो इधर ही पानी आएगा नहीं जब इधर नहीं था ना छत पे ऊपर सटा गया था वही सोच रहे थे कि हम लोग रहते थे ना वहां पर ऊपर था बोल यहां पर ज्यादा नीचे हो दिया हुआ इसे ऊपर था तो पानी आता है उसे आगे चला आता है ठीक ऊपर आता है अच्छा ये ठीक हो तो देखना बोलते देख ली चाहिए आ गया रास्ता में जो चाहे नजर आ गया देख लिया यहाँ तक ऊपर नहीं देखे चाहिए देखे तो यहाँ पर बैकग्राउंड में बहुत सारा कचरा है साफ सुथरा है अभी बन रहा है शाम की चाय नाश्ता चल रही है हम लोगों की और बातें भी चल रही है जितने भी जो भी बातें होती है मायके पहुँच कर मम्मी से भाई बैठकर हम लोगों को दो दो तीन तीन घंटे बैठकर ज़रूर हम लोग कहते हैं तो यही होता है जब माँ के पास पहुँच जाओ तो सारे जो दिल की बातें हैं सब निकल कर सामने आती है और मैं भाई कुछ भी नहीं छिपाती हूँ और सारी बातें माँ के अलावा किससे कहते हैं हम लोग तो यही बातें चल रही है और नाश्ता हो रहा है इसके बाद रात में खाना पीना करने के बाद यहाँ पर हम लोग टीवी सभी को मन पसंद जो राधे कृष्णा जी हैं सीरियल वही हम लोग देखें इसके बाद हम लोग सो गए क्योंकि सुबह जल्दी उठना है हम लोगों को जाना है नागपंचमी मनाने ससुराल हेलो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों वेलकम टू माय चैनल कैसे हैं आप सभी आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और अभी हमारे स्नान हो गई है बज गए हैं 4 और 4 बजे सुबह ही स्नान हो गई है हमारी और अभी हम पीली पीली साड़ी भी पहन चुके हैं अभी हम तैयार होंगे और अभी मम्मी स्नान कर रही है भाई धूप का कोई ठिकाना नहीं है इसलिए हाथ में भी लगा रहे हैं क्योंकि जब आते टाइम इतना ज़्यादा धूप हो गया इतना हाथ एकदम जल गया था आधा दूध एकदम काला काला दिखने लगा था इतना जल गया था हाथ में तो सनस्क्रीन हाथों में भी मैंने लगा लिया है और यही सनस्क्रीन लोटस का मैं उपयोग करती हूँ इससे है ना कि हमारा जो चेहरे पर लगाइएगा तो आपको लुक अच्छा देता है साफ के लिए थोड़ा सा चमक आती है बस और सनस्क्रीन का सनस्क्रीन हो गया और क्या मेकअप का मेकअप हो गया दोनों ही इस चीज़ में थोड़ा लगता है रहता है तभी तो चमक आ जाता है थोड़ा सा चेहरे पर और कुछ मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ और कान वाली ये मेले में गई थी तो ख़रीदी थी डिज्नी मेला में तो पहन लिया है पीली पीली वाला साड़ी में मैच भी कर रहा है और मम्मी स्नान करने के बाद पूजा वगैरह कर रही है तो हमेशा सुबह में ही पूजा मम्मी पापा सभी कर अभी पापा तो इससे भी पहले उठकर ऊपर अपना पूजा वगैरह करके भजन कर रहे हैं ऊपर एकदम शांत से और मम्मी फिर यहाँ पर दिया बाती दिखा रही है तो हो गई हूँ मैं तैयार ऊपर पूजा करने में लगे है मम्मी एक्सरसाइज हो गया ऊपर चढ़ते चढ़ते दो सीढ़ियाँ
तो बस चूड़ियाँ पहनना बाकी रह गया था, इसे भी हम पहन लेते हैं क्योंकि ये चूड़ियाँ खोल देते हैं हरी वाले, थोड़ा सा सूट नहीं कर रहा था पीली साड़ी पर, तो ये जो पीली पीली चूड़ियाँ हैं वो अच्छी लग रही थी। ना वो भी बढ़िया है। चलिए जाओ। हाँ हम ले ले रहे हैं। लगभग 5 बज गए थे निकलने निकलने में, तो चलिए अब मम्मी भी बैठ गई है बाइक पर और हम भी यहाँ बैठकर निकलेंगे सुराल की ओर। चलिए सर वहाँ पर दिखाते हैं आपको, भव्य मंदिर भी दिखाएंगे, मेला भी दिखाएंगे, बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो चलिए हम लोग पहुंच गए हैं ससुराल और सीधे हम मंदिर स्नान करके आए थे तो सीधे मंदिर हम जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, इसके बाद तुरंत ही हम लोग वापस भी लौट आएंगे। तो दोस्तों ये जो मंदिर है बहुत पौराणिक है, बड़े बुजुर्ग इसकी कथाएं भी कहते हैं, बड़ा ही मनमोहक कथाएं भी हैं इनकी जो कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और इसे बकस बाबा के नाम से भी जानते हैं लोग। अगल बगल पूरा अगल बगल जवार जितने भी हैं गांव और इस गांव में सभी फास्टिंग रखते हैं, मीठा मीठा ही आज प्रसाद खाते हैं। हम लोग बहुत जल्दी आने की कोशिश किए थे ताकि भीड़ कम रहे, लेकिन फिर भी देखिए कितना ज़्यादा भीड़ हो गया, अभी और ज़्यादा लगेगा, अभी कम ही है। आगे हो चल ना, इन्हें बड़ी हिल है। प्रणाम है भी। हाँ ले हाँ। गांव के लोग ही अपना अपना जगह पर बैठकर जहां भी जगह मिले वहां पर अपना मेला की तरह तैयार करते हैं सारे चीज़ें। दूर दूर से लोग आते हैं तो खाएंगे भी पिएंगे भी और मज़े भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं और ख़रीदारी भी करते हैं, तो यहां बड़ा मेला लगता है। इसके बाद हम लोग तुरंत ही वहाँ से लौट आए। रास्ते में सबसे पहले चाय गर्मा गर्म हम लोगों को पिलाए पापा ने, इसके बाद डब पिलाया क्योंकि फलाहारी हम लोग थे तो कुछ और नहीं खा सकते थे, इसलिए नारियल पानी ही हम लोगों को पिलाए और इसके बाद सीधे हम लोग वापस गया आ गए मायके ही आ गए।
तो यहाँ पर आकर हम सीधे यहाँ पर मीठा मीठा ही खाया जाता है। हम लोग इस दिन फास्टिंग सभी करते हैं, तो यहाँ पर नागपंचमी हम लोग भाई धूमधाम से मनाते हैं। तो मम्मी के यहाँ नहीं मनाया जाता है, लेकिन हम लोग मनाते हैं। मम्मी तो सिर्फ दर्शन करने गई थी, और यहाँ पर हम लोग मनाते हैं। तो खीर बना दिया और साथ में पूड़ियाँ बना दी प्रसाद में। तो ये लोग भी मीठा मीठी ही खाए थे आज के दिन, क्योंकि हम लोगों को मीठा खाना था, तो इसलिए पूड़ियाँ और खीर ही बनाए थे। मम्मी बोली कि यही ठीक है, सब कोई खा लेंगे यही चीज़, तो यही बना प्रसाद में, सबको खिलाया प्रसाद। और इसके बाद हम यहाँ पर जितने भी बर्तन हैं उसे मैं कर रख देती हूँ, और ये हमारे घर का पूजा स्थान है। तो दोस्तों यहीं पर हम वीडियो को एंडिंग भी कर देते हैं, और तुरंत ही हम लोग मतलब पटना की ओर निकल गए थे। और खीर तो मैंने दोबारा भी खा ली है, क्योंकि बहुत अच्छा लगा था। तो थोड़ा सा एक आध घंटा हमने रेस्ट किया, इसके बाद तुरंत पटना की ओर हम लोग निकल गए थे। तो पटना में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ बाय बाय, गुड डे।